नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में माइलस्टोन 84 के समीप एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश पकड़ा। अनूप निवासी कोलाहर थाना नौझील से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एसटीएफ के 2 सिपाही और बदमाश अनूप घायल हो गया। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल मथुरा में भर्ती कराया। एसटीएफ के सीओ विनोद सिरोही ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली बॉर्डर से 1 लाख के इनामी बदमाश अनूप को गिरफ्तार कर मथुरा के थाना हाईवे में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान सुरेर क्षेत्र में माइलस्टोन 84 के समीप अनूप ने लघुशंका जाने की बात कहते हुए गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतरते ही पिस्टल छीनकर भागने लगा और फायरिंग करने लगा। जवाबी फायरिंग में एसटीएफ के 2 सिपाही राजन और मनोज चिकारा घायल हो गए। वहीं एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग में नामी बदमाश के पैर में गोली मार दी, जिसमें बदमाश अनूप गिर गया और पुलिस ने उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि अनूप पर 1 लाख का इनाम था। एसटीएफ ने अनूप को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। अनूप डॉक्टर निर्विकल्प अपहरण कांड में भी शामिल था। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादून की रिपोर्ट। एक अपराधी है और 1 लाख का रिवार्ड था मथुरा से जी। किडनेपिंग के सिलसिले में इस पर एसटीएफ ने इस पर काम किया और दिल्ली क्षेत्र में बॉर्डर से इसे पकड़ा गया था जी। और इसे संबंधित थाने में दाखिल करने जा रहे थे गाड़ी से और यहाँ लघु शंका के लिए उतारा गया था। उसके बाद ये पुलिस का हमला करके पिस्टल लेकर उन्हें भागने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, फायरिंग की पुलिस पर, फायरिंग में घायल हुआ इलाज के लिए। पुलिसकर्मी भी घायल हुए क्या सर इसमें? हाँ, पुलिसकर्मी भी।